मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं, मैम मेरा यूरिक एसिड हाई आया है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है लो प्रोटीन डाइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूरिक एसिड होता क्या है। हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हम प्योरीन रिच फूड या ड्रिंक्स लेते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से निकल जाना ही अच्छा रहता है। अगर ये क्लस्टर हो जाता है या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो आपको जॉइंट पेन्स होती हैं या बॉडी में अनइजीनेस होती है, जिसको हम हाई यूरिक एसिड कहते हैं। इसलिए हमें प्रोटीन को कम नहीं करना है, हाई प्योरीन रिच फूड एंड ड्रिंक्स को लेना कम करना है। प्योरीन रिच फूड कौन से होते हैं? ऑर्गन मीट, रेड मीट, चिकन लिवर, शेलफिश, टूना, एस्पेरेगस, कॉलीफ्लावर, स्पिनिच, पीज, अल्कोहल, स्पेशली बियर, नॉन अल्कोहलिक बियर ऑल्सो एंड वाइन। हाई शुगर बेवरेजेस, जिनके अंदर फ्रक्टोस सिरप ज़्यादा होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब लेना अवॉइड करना है। जनरली यूरिक एसिड ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद किडनी के थ्रू हमारी बॉडी में से यूरिन के रास्ते निकल जाता है, पर जब यूरिक एसिड हाई होता है तो ये हमारी बॉडी में एक क्लस्टर सा बनना शुरू हो जाता है, इन क्रिस्टल्स का एक ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट में पेन्स होते हैं। और कई बार देखा गया है कि अगर बहुत एक्सेसिव यूरिक एसिड हो तो किडनी स्टोन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। सो स्टॉप थिंकिंग दैट यू नीड टू रिड्यूस प्रोटीन, डिक्रीज योर हाई प्योरीन रिच फूड। आई होप